हाँ जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। हम सब तो, हम दोनों या हम सारा ग्रुप हमारा बहुत बढ़िया है। एंड रह गई थी, वेलकम टू योर चैनल वैगाबॉन्ड्स। सो टुडे इज आवर फिफ्थ डे। फिफ्थ के सिक्स्थ भाई, हाँ सिक्स्थ, छठा दिन फिफ्थ है यार। तो यार छठा दिन है भाई ट्रैक का, ये ट्रैक का चौथा दिन है, टोटल 6 दिन हो गया। ओके, दोबारा तो कर रहा, कट पूरा कट मार दिन रोक। तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वैगाबॉन्ड्स। सो टुडे इज आवर सिक्स्थ डे एंड फोर्थ डे ऑफ आवर ट्रैक। बढ़िया धूप निकल आई है फिर से। रात शाम को 7-8 बजे थोड़ा बादल बन गए थे, थोड़ी सी बारिश भी पड़ी, तो थोड़ा डर भी लगा कि कल को आगे जाना है, मौसम मत ख़राब हो, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे टू गॉड, बट फॉर्चुनेटली ऑल थिंग्स आर गुड। सब हेल्थ वाइज भी ठीक हैं, बढ़िया हैं। बस थोड़ी ठंड रात को हो जाती है, बस अब दिन में थोड़ा सा धूप के कारण अच्छा रहेगा। बाकी पंकज जी आज थोड़ा अभी लगे हुए अपने सामान की सेटिंग में, दिखाता हूँ आपको, टेंट में ही अभी ब्रश वगैरह कर लिया उन्होंने, पर जो ज़रूरी सामान निकालने वाला रखने वाला है फिलहाल वो कर रहे हैं। ये देखिए भाई, है तू भाई? ये रहा, अब बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार, बस रात नींद नहीं आई यार अच्छी तरह। नींद नहीं आई मुझे तो, अच्छी नींद आई भाई ना, मेरे को भी नहीं आई, अमन को भी नहीं आई, पर नींद के साथ सपने बहुत आए तरह तरह के। यही तो दिक्कत है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हो जाता है ना सब कुछ यार। वो तो है ही है। ये हमारा छोटा सा घर 2 दिन के लिए था, जो देखो ये स्लीपिंग बैग, ये सब कुछ निकाल लियो आज भाई। हैं स्टिक निकाल, हाँ हाँ स्टिक पा रही है मेरी, हैंडी है, स्टिक की जरूरत पड़ेगी। बस ये करता हूँ मैं थोड़ा सारा सेटअप, हाँ आ जा फिर बाकी मैंने मॉर्निंग कर दी। आप बता दे सारा आज का, आज बताया तो ऑलरेडी तुमने, हमने जाना है वो कल बताया भाई, ऑर्डर स्कूल बेस कैंप जाना है जो यहाँ से तकरीबन 7 और 8 किलोमीटर के बीच है, बाकी एग्जैक्ट डिस्टेंस वॉच हमारी वहाँ जाके बता देगी, ऑल्टीट्यूड कितना है वहीं जाके बताएंगे, वहीं जाके एग्जैक्ट आपको बता देंगे। बाकी यही है, टफ है आज का डे भी थोड़ा, सारी टफ है साले, और वहाँ पहुँच के जल्दी सोना है, और रात को 2 बजे उठ के 3 बजे निकलना होगा सुबह को कोल के लिए। दैट वुड बी द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक, और वही करने हम आए ऑर्डन्स कोल एक्सपीडिशन। होप सो विद गॉड्स ग्रेस, भोलेनाथ की मर्जी से, महादेव की इच्छा से, उन तक उनके दर्शन के लिए इस ऑर्डन स्कूल के रास्ते के जरिए पहुंच सकें। राइट, बिल्कुल। चलो फिर आगे निकलते हैं पंकज भी ब्रेकफास्ट के लिए, बाहर मिलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट खाते हैं फिर रास्ते में आपसे बातें करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। तो जी चल पड़े हैं अपनी कैंप साइट रुद्र 11 बेस कैंप से, और आज हमने जाना है अपनी ऑर्डन स्कूल बेस कैंप पे, और रास्ते में गंगोत्री जो पीक है जो उसका बेस कैंप भी आएगा। ये हमारा बस कैंप साइट थी जी, अच्छी थी जी कैंप साइट, बट अजीब तरह का है यहाँ पे ना, मतलब हाइट आप एकदम गेन करते हो। रात भी नींद मुझे अच्छी नहीं आई, उसकी वजह से भी थोड़ा लथार्जिक हूँ, शायद अब चलना शुरू करूँगा तो आई विल फील मच बेटर, बॉडी वार्म होगी, और आज थोड़ा टेम्परेचर भी डिप है कल के कंपैरेटिवली। आज हवा ठंडी लग रही है, धूप का ना, कल तो गर्मी लग रही थी, धूप का इतना वो नहीं लग रहा जिसे सेक कहते हैं। बिल्कुल, बस ये हमारा ये ट्रेल देख रहे होंगे, ये जाना हमने, ये सारा जो आप ये देख रहे हैं रिज, ये क्रॉस करके उधर पहुंचना जी। रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है, वहाँ तो कैमरा ऑन नहीं करूँगा, बट जैसे ही ठीक आता रास्ता फिर कैमरा ऑन करूँगा, या कई बार होता कुणाल आगे चले जाता है तो मैं पीछे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं आगे चले जाता हूँ कुणाल पीछे से रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज नॉट दैट मच वेल, थोड़ा सा डाउन हूँ, बट विद द टाइम आई विल गेट ऑल राइट। बस शुरू करते हैं जी। So
सबसे आगे चला परवीन हमारा शेरपा, बस धीरे धीरे बाकी सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेल है वहाँ चढ़ना ऊपर, बाकी जैसे जैसे रास्ता आ रहा है वैसे वैसे जितना हो पा रहा है आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटा भाई क्या हुआ, हेलमेट डालने का बहुत शौक चढ़ा था, हेलमेट डाल के निकले थे। हाँ ये सिर पर डाल कर निकले थे, उतर गया शौक अभी। अभी वेट लग रहा है ना इसलिए, अभी वेट लग रहा सिर पे, गर्मी भी बढ़ रहा है ना। गर्मी तो पड़ेगी, धूप लगेगी, बॉडी वार्म अप होगी, गर्मी भी लगेगी, अभी चलो आगे ठंड भी लगेगी बहुत है। हाँ मजे ही लेने आए हो, नहीं बैठ के वो आम बेचते अच्छे खासे। मेरे को पेटी चाहिए आंबों की, एक बता रहा हूँ मैं, भिजवा देना। पंकज अभी थोड़ा चार्ज अपनी हुआ आज, उसके गले में थोड़ी इन्फेक्शन थी, रात उसे एंटीबायोटिक दी थी, शायद उसका अभी असर गले को तो हुआ पर उसके दिमाग को नहीं हुआ, थोड़ा अभी डाउन फील कर रहा है, हो जाएगा, चीता है वो। चार्ज अप अभी तो उसकी बागडोर थोड़ी देर के लिए मेरे कंधों पे है, पर छोड़ने का नहीं कुछ, सब दिखाने का, एवरी माइन्यूट डिटेल शुड बी कवर्ड। वो रहा हमारा कैंप, वो घूम गया, वो आ रहा हमारा मेन गाइड कमलेश, बस ये महादेव से प्रार्थना है भी, मौसम ऐसे ही साफ रखे ताकि ये ट्रैक और उनकी यात्रा दोनों ही सफल हो जाए, उनके दर्शन भी अच्छे से पा लें, क्योंकि पहली बार है आई एम बीइंग टू केदारनाथ। थोड़ा ध्यान मुझे ट्रेल पे भी देना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी है कच्ची सी, पैर भी थोड़ा संभाल के बचा के रखने की ज़रूरत है, मिट्टी भी है बारीक बारीक, बारीक तो नहीं कह सकता, छोटे छोटे पत्थर भी हैं। देखो और वो प्रवीण पहुंच गया आगे, वो नदी क्रॉस करनी है आज, छोटी सी है, नाला सा ये आगे जाके नदी में मर्ज हो जाएगा, बट फ्लो देखो यार सुबह ही पानी का कितना है। ट्रॉफी है यार, कैंडी जरूर साथ में रखना हमेशा, कभी कभी प्यास लगे मुँह में कैंडी उसको चबाना मत, चूसो बस, उससे अच्छा फील करता है, मुँह का टेस्ट भी
माउथ का और हल्का हल्का सा जो उसका फ्लेवर है वो आता रहता है, तो अच्छी लगती है वो चीज़। मुंह सूखा सूखा नहीं रहता। बट जो भी है फन, है मज़ा, चाहे आप जितने मर्जी अपने कंफर्ट लेवल के बाहर हो, बट इट इज़ समथिंग। ये एडिक्शन इज समथिंग डिफरेंट। ऑल दो यार यही सोच रहा हूँ, चार दिन से पहले भी सोच रहा हूँ इनफैक्ट, ये जो ट्रैकिंग है इट्स कॉस्टलीस्ट, एडवेंचरस, रिस्कीस्ट और द मोस्ट अनकम्फर्टेबल सपोर्ट, मतलब स्पोर्ट यू कैन से। बट जो इसकी एडिक्शन है ना वो बहुत बुरी है। यहाँ के जो आप लोग फील करते हो, वो कैंप्स में रहना, वो नेचर में अपने आप को फील करना, इट्स समथिंग डिफरेंट। अपने आप से बातें करना, मेडिटेट करने की कोशिश करना, हर चीज़ बर्दाश्त करना, ठंड, तबीयत ख़राब हुई, कभी कुछ हुआ, उससे फिर निकलना, मज़ा आता है यार। इट हैज समथिंग इन इट। देखते हैं आगे क्या कुछ करना बाकी है। अभी जितनी हिम्मत होगी, जान होगी, उतना तो कर ही रहे हैं। तो नदी के पास आके ये देखो, और प्रवीण हमें क्रॉस करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ जी, हो जा कैम, बोलना कम है यार। कोई बात नहीं, जितना मैं बोल सकता हूँ बोलूंगा। एनर्जी बचा रही है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अब फील हो रहा है। मैं तो बोल ही आ रहा हूँ, जितना हिम्मत है करिए ना। वन माड़ा जा ये यार बहुत टफ होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ना बहुत स्लिपरी होते हैं, इट्स वेरी रिस्की, अगर गिरे तो बहुत बुरी चोट लगने वाली है। चाहे डेप्थ नहीं है, फ्लो नहीं है इतना पानी का, बट इफ़ यू स्लिप फ्रॉम हेयर ना, इट्स वेरी 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 पंकज या धीरे धीरे धीरे, ये देखो जैसे ये पैर स्लिप हुआ। कल मोटा भाई तेरे पास आऊंगा मैं कैमरा बंद करके। ये थोड़ा ट्रेंचिएस्ट पार्ट है अब आज के दिन का, ये चढ़ना है। और ये मेरे गाइड जी हैं, सनस्क्रीन लगाने, ताकि घर वाली इन्हें पहचान लेगी काले होके नहीं आए। चलो अब ये रहा, हेलमेट डालो जरूरी है, पत्थर गिरा तो चोट लगेगी, तो ये मेरे सिर पे हेलमेट खुद ही डालेंगे।
थोड़ी है ना कुछ ऐसे। आ गया, हाइट हो जाएगा बहुत ज्यादा, देख तो सही। ऐसे ढीली नहीं होगी। यो हेलमेट बॉय, वो क्या कर गई दी। चलो चलो नेक्स्ट मूव। पंकज जी नहीं डाल रहे हेलमेट, वो कहते आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, सो इट्स दिस विच। बोल्डर आ गए, बोल्डर्स सीटियां किसे मंगा रहे तुम लोग? आगे जाके जैकेट उतारनी पड़ेगी, गर्मी लग रही। धीरे धीरे से आगे को जाना, अब मुझको पंकज को है हंसाना। Ambrish, wear your helmet. What's the fun of picking it? Pankaj ji bhi helmet ki taraf aate hue, safety first. Mota bhai pehle kya bola? Amulya. टाइट तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं फिर थोड़ा ढीला कर देता हूँ। एवरी लटका दो, लटका दो इधर ही, इधर लटका लो, वो निकाल के उसमें निकल, लटका दे बस। जो दो केक हो जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल। दूसरी तरफ भी है, दोनों तरफ हो गया। चलो चलो टाइट हो रहा ज्यादा, थोड़ा इतना बहुत है, इतना ही है अमरीश सबका, इतना ही है। देखो कहीं घुटन न हो जाए और सांस बंद है। अपा पीछे चलेंगे मेरे भाई, हमने वीडियो भी बनानी है। बिल्कुल, ओके, एंड सबको लेके भी जाना, सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये किसका नारा? मोदी जी। ओके, यू आर मोदी फैन ऑल्सो है? कुछ इस तरह से था ये रास्ता। स्टिक लेफ्ट हैंड में पकड़ना, लेफ्ट में, लेफ्ट में, हाँ इधर वाला है ना। अच्छा इधर ऐसे सपोर्ट चाहिए, क्यों हाथ से फिर आप कर सकते हैं ना अगर कहीं, अगर जहाँ ज्यादा वो होगा ना मैं कैमरा बंद कर दूंगा। हेल्प की जरूरत है तो आप, आई विल कॉल यू। मेरे को लगा कैमरा बंद कर दूंगा, थोड़ा आगे तक चलो, आगे तक चलो, मुझे दे दो। कहाँ से करना है बात,
बंद कर दूं। ये टफ स्ट्रेच है यार बहुत। Everybody will need help in this. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. ये नहीं मुश्किल था, ठीक था। उनको कल बहुत टाइम लगा था इस चीज को। अपने तो सारे आ गए। शाबा कुणाल, सॉरी यार आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, डाउन हूँ, अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ। मुझे बहुत एनर्जी बचानी है कल के लिए, इसलिए कुणाल को ज़िम्मा दिया हुआ है। कुणाल कल नीचे था तो उसके पास एनर्जी है। हम कल भी बहुत ऊपर चले गए और तेज़ चलते हैं, बोलता इतना ज़्यादा हूँ मैं, बुरा हाल हो जाता है। आपको दिख रहा हेलमेट डल गए हैं, ऊपर से अगर इतना सा भी पट्टी भी गिरी रोड़ी वो भी बुलेट की तरह है, इसलिए प्रिकॉशन इज मस्ट। क्या जी कुणाल, कुणाल को तो कंधा चाहिए चाहिए। अब कुणाल जी ने कमलेश को बेस्ट फ्रेंड बना लिया। थैंक यू कमलेश भाई इस पिल्ले को ऊपर लाने के लिए। शुक्र है तेरी जुबान निकली, आई एम हैप्पी फॉर दैट। मतलब यहाँ चढ़ के ठीक जा हो गया मैं। और कुछ ऐसा ले सकते तो व्यूअर्स दोस्तों ऐसा तो मिलेगा आगे बीच तक। जैकेट उतार दी, शेयर्स ले लिए, धूप लग रही थी काफी, गर्मी भी बहुत लग रही थी, सीना स्वेटिंग ज्यादा होगी तो जैकेट से। बहुत मुश्किल स्ट्रेस था ये, ट्रेंचियस ट्रेस इसे कहेंगे, निकाल लिया भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू कमलेश, आगे ऐसा खतरनाक या रिस्कीएस्ट ट्रेंचियस्ट नहीं है, सीधा सीधा या नॉर्मल जो होगा, थोड़ा चढ़ाई होगी वही कुछ है। बाकी देखते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। चलो लेट्स गो। बोल्डर जोन है थोड़ा ये, बरहार सर Siddharth is low. He is taking time box half.
देना तो पूरा लो। कर ली थी ना, टल्लीज योर बेल्ट विल द सूथिंग रिदम फ्रॉम योर बेल हमें वो कर रही है, मोटिवेटर अच्छी लग रही है। शुरू में डाउट पड़ रहा था कि खच्चर आ रहे हैं, पर हमें समझ आ गई खच्चर तो है नहीं साथ में, ये पंकज के बैग की टल्ली है। काम 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 तो यार बस वही सी बोल्डर जोन वाली ट्रेल है, धीरे धीरे इसे कवर करते हैं, आगे जाके फिर दोबारा कैमरा ऑन करके जो कुछ भी नया है उसे अपडेट और शूट करते हैं। जब तक आप ये सब अच्छे से इंजॉय करो।